दोस्तों, आप भी सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हो, यूट्यूब पे भी पैसा कमाना चाहते हो और इंस्टाग्राम से भी पैसा कमाना चाहते हो। अभी आपको पता नहीं चल रहा इंस्टाग्राम में कैसे आईडी खोलना है, कैसे आईडी ओपन करना है, कैसे स्टार्ट से एंड तक आपका एक प्रॉपर आईडी बनाया जाता है, वो भी बिजनेस अकाउंट और वो भी प्रोफेशनल आईडी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम का आईडी बनाया जाता है और एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाया जाता है और एक अच्छा यूनिक यूजर नेम कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मोबाइल के डिस्प्ले पे आने के बाद सीधा मैं प्ले स्टोर पे जाता हूँ। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सीधा इंस्टाग्राम इंस्टॉल करेंगे। पहले मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पहले सर्च करते हैं। इंस्टाग्राम सर्च होने के बाद फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं इसको फिर से इंस्टॉल क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर कुछ अपडेट रहेगा या कुछ रहेगा इसको, मैं इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इसको इंस्टॉल किया हूँ। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, जैसे इंस्टॉल हो जाता है फिर इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, पहले तो आपका जो ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर होना चाहिए जिस पे से आप इंस्टाग्राम आईडी ऑन करेंगे, मतलब इंस्टाग्राम पे लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम ऑन करने के बाद सीधा क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट में क्लिक करने के बाद अगर आपके पास फुल नेम है या आपका नेम से आपको करना है तो इधर आपको नेम ऐड करना है। तो नेम मैं सीधा डाल देता हूँ। नेम डालने के बाद सीधा नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सीधा इधर आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सीधा आपको इधर सेव करना है। सेव करने के बाद दोस्तों, अभी दोस्तों इधर आपको एज मांग रहा है, तो एज हम लोग इधर डाल देते हैं। जो भी एज है आपको आप डाल देंगे। अभी सीधा नेक्स्ट करते हैं। अभी दोस्तों इधर हम लोग डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप इधर ऐड करेंगे। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं इधर। जैसे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डाल देते फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, अभी इधर आपका मेन चीज़ आएगा, जो मेन चीज़ आपको देखना है। तो अभी दोस्तों देखो, इधर जो मेरा लॉगिन आईडी मतलब यूज़र आईडी एकदम क्लीन यूज़र आईडी होना चाहिए। तो सबसे पहले इधर हम लोग नेम तो नहीं चाहिए, मुझे नेम भी कुछ नहीं चाहिए। तो सीधा मैं इधर जो मेरा नाम है उसको देखता हूँ। पहले नाम है क्या नहीं, तो नाम भी नहीं है, तो सरनेम डालते हैं। तो दोस्तों, जो भी नाम आपने डाले रहेंगे उसके रिगार्डिंग आपको नीचे ऑप्शंस आ जाएगा कि आपको कौन सा नेम पे आपको यूज़र आईडी बनाना है, मतलब जो प्रोफाइल है आपका इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है उसको बनाना है। तो साथ ही साथ देख लेते तो आपको पता चल गया कि कैसे यूज़र आईडी इसमें सेट करना है। तो अपने हिसाब से आप यूज़र आईडी इधर टाइप करके देख सकते हैं कि कौन सा अवेलेबल है। अगर अवेलेबल रहेगा तो उधर सीधा ग्रीन टिक आ जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो सीधा रेड आ जाएगा। सीधा मैं ग्रीन टिक पर क्लिक कर दूँ कोई भी एक, आप देख के अपना यूज़र आईडी चेक कर लेना। तो इधर ग्रीन ऑप्शन आ गया, सीधा मैं नेक्स्ट करूँगा। तो दोस्तों देखो, जो अपना पॉलिसी है मतलब जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है ओपन हो चुका है। तो आई एग्री क्लिक करेंगे। आई एग्री क्लिक करने के बाद जो भी आपका इंस्टाग्राम का आईडी है वो बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो, इंस्टाग्राम का जो आईडी है प्रॉपर बन चुका है। अभी इधर हम लोग को प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना है। अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कर सकते, नहीं तो आप इधर प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हो। मैं इधर प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर देता हूँ। तो चूज़ फ्रॉम गैलरी करते हैं। अगर एडिट करना है दोस्तों, अगर क्रॉप करना है तो सीधा एडिट के ऑप्शन में क्लिक करके फिर उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं सीधा से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, इंस्टाग्राम का जो आईडी है प्रॉपर रेडी हो चुका है। तो अभी सीधा कंटिन्यू करेंगे। अभी इधर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो फेसबुक का जो आईडी है मतलब वो अगर इसमें लिंक रहेगा तो आपका जो भी आपका फ्रेंड्स रहेंगे इंस्टाग्राम में फेसबुक पे वो सब आपके इधर शो हो जाएगा। बट मुझे अभी नहीं करना है तो मैं स्किप कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फाइनली जो अपना इंस्टाग्राम आईडी है ओपन हो चुका है। तो अभी देख सकते हैं, जो भी आपका आईडी इधर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आईडी नेम है इधर सीधा दिख जाएगा। तो दोस्तों, आपने देख लिया कितना इजी वे में मैं आपको बताया कि इंस्टाग्राम का आईडी कैसे ओपन करना है और साथ ही साथ यूज़र नेम को कितना अच्छे से ट्रिकी और अच्छा बनाना है। सो दोस्तों, आपने देख लिया कैसे इंस्टाग्राम में प्रॉपर तरीके से एक यूज़र आईडी बनाया जाता है और एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छा यूनिक यूज़र आईडी कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो इंस्टाग्राम रिलेटेड और भी इंक्वायरी अगर आपको रहेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि धीरे धीरे आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो और आपका भी एक जो इंस्टाग्राम आईडी है प्रॉपर चलते रहे। तो इस वीडियो से आपको कितना हेल्प मिला जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।